answer my question. दुनिया की जो population है उसमें से 18% population हमारे देश में है और पूरे दुनिया में जितने पशुधन है उसमें से 18% पशुधन हमारे यहाँ है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व का जो पानी है उसके पर जो उन्होंने बताया फिगर 0.04% और ठीक है, मगर हर गांव में कितना पानी है, ग्राउंड वाटर क्या है, सरफेस वाटर की क्या स्थिति है, वो पूरा अभ्यास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। करीब 8,000 गाँव में और सभी राज्यों के अंदर कहाँ पर पानी की कितनी उपलब्धता है उसका भी अभ्यास करते हुए सभी राज्यों के साथ उसको शेयर किया गया है। आने वाले दिनों में जिस तरह से राज्य भी काम कर रहे हैं तो सबको जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जो हर घर नल से जल देने की जो योजना है उसके लिए भी ये जो अभ्यास किया गया उससे बहुत फायदा होगा और सबको पूरा पानी मिलेगा। जो भी कोई कंप्लेन होगी वो भी उसी के कारण, यही अभ्यास के कारण दूर हो जाएगी। ये एक एनर्जी सेविंग स्कीम घोषित की गई थी कि आम आदमी का बिल इसमें कम आए और उसको प्रकाश की अच्छी व्यवस्था मिले, और ये वॉलंटरी स्कीम इस नाते से प्रचारित की गई थी थ्रू वेरियस मोड्स। उसके बाद स्टेट्स इसमें कितना इंटरेस्ट लेती हैं उस पर निर्भर करता है। बल्ब की उपलब्धता ये प्रारंभ की गई थी क्योंकि नई स्कीम थी इसलिए उसमें कुछ कंसेशंस भी अलाउ किए गए थे। बाद में उस कीमत को क्योंकि मार्केट के अंदर जब प्रचलन हुआ तो मार्केट में भी बहुत सारे बल्ब आ गए। अब उस प्रदेश में कम क्यों होते हैं, ज़्यादा क्यों होते हैं, प्रदेश का जो डिस्कॉम डिपार्टमेंट है उनको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपने को ठीक करने के लिए, बिजली बचत करने के लिए प्रमोशन में उनको भी आगे आना चाहिए। जो सरकारें आगे आती हैं वहाँ इस बल्ब की सेल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी हुई है, जो सरकारें प्रदेश की सरकारें आगे नहीं आती हैं वहाँ ये स्थिति बहुत सामान्य मिलती है। We have been trying from our side. The administration, Ladakh administration, has identified certain sites, which is the process where they send us the sites and we do the inspection. And accordingly, Wakha Kargil, Turtuk, Dikshit, Nyoma, Padum, Janskar. These are some of the sites which have been offered to us, and we have done thorough inspection. Thorough site studies, surveys have been done. But after all that also, because the terrain is so challenging in Kargil, it was found to be very difficult to operate an airport from these sites. And the other option that we have is the existing Kargil airport, which is a defense airport, sir. So we, because we want the civilians to have access to the air services, we explored the idea of why not run the civilian aircraft from the existing defense airport only. Sir, my question. दुनिया की जो population है उसमें से 18% population हमारे देश में है और पूरे दुनिया में जितने पशुधन है उसमें से 18% पशुधन हमारे यहाँ है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व का जो पानी है उसके पर जो उन्होंने बताया फिगर 0.04% और ठीक है, मगर हर गांव में कितना पानी है, ग्राउंड वाटर क्या है, सरफेस वाटर की क्या स्थिति है, वो पूरा अभ्यास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। करीब 8,000 गाँव में और सभी राज्यों के अंदर कहाँ पर पानी की कितनी उपलब्धता है उसका भी अभ्यास करते हुए सभी राज्यों के साथ उसको शेयर किया गया है। आने वाले दिनों में जिस तरह से राज्य भी काम कर रहे हैं तो सबको जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जो हर घर नल से जल देने की जो योजना है उसके लिए भी ये जो अभ्यास किया गया उससे बहुत फायदा होगा और सबको पूरा पानी मिलेगा। जो भी कोई कंप्लेन होगी वो भी उसी के कारण, यही अभ्यास के कारण दूर हो जाएगी। ये एक एनर्जी सेविंग स्कीम घोषित की गई थी कि आम आदमी का बिल इसमें कम आए और उसको प्रकाश की अच्छी व्यवस्था मिले, और ये वॉलंटरी स्कीम इस नाते से प्रचारित की गई थी थ्रू वेरियस मोड्स। उसके बाद स्टेट्स इसमें कितना इंटरेस्ट लेती हैं उस पर निर्भर करता है। बल्ब की उपलब्धता ये प्रारंभ की गई थी क्योंकि नई स्कीम थी इसलिए उसमें कुछ कंसेशंस भी अलाउ किए गए थे। बाद में उस कीमत को क्योंकि मार्केट के अंदर जब प्रचलन हुआ तो मार्केट में भी बहुत सारे बल्ब आ गए। अब उस प्रदेश में कम क्यों होते हैं, ज़्यादा क्यों होते हैं, प्रदेश का जो डिस्कॉम डिपार्टमेंट है उनको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपने को ठीक करने के लिए, बिजली बचत करने के लिए प्रमोशन में उनको भी आगे आना चाहिए। जो सरकारें आगे आती हैं वहाँ इस बल्ब की सेल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी हुई है, जो सरकारें प्रदेश की सरकारें आगे नहीं आती हैं वहाँ ये स्थिति बहुत सामान्य मिलती है। वी हैव बीन ट्राइंग फ्रॉम आवर साइड। द एडमिनिस्ट्रेशन, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन हैज आइडेंटिफाइड सर्टेन साइट्स, विच इज द प्रोसेस वेयर दे सेंड अस द साइट्स एंड वी डू द इंस्पेक्शन।
and accordingly Waka Kargil, Turtuk, Dixit, Nyoma, Padum, Janskar. These are some of the sites which have been offered to us, and we have done thorough inspection, thorough site studies, surveys have been done. But after all that also, because the terrain is so challenging in Kargil, it was found to be very difficult to operate an airport from these sites. And the other option that we have is the existing Kargil airport, which is a defense airport, sir. So we, because we want the civilians to have access to the air services, we explored the idea of why not run the civilian aircraft from the existing defense airport only.